नमस्कार, मैं हूं शिवानी ठाकुर, आप देख रहे हैं मैनपुरी न्यूज। मैनपुरी के एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन करने पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा, गठबंधन सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़कर विजय हासिल करेगा। मीडिया से मुखातिब होते हुए राम गोपाल यादव ने प्रियंका गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की रिपोर्ट। हमला कर रहे हैं, क्या कहना? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, तो मंत्री ओम प्रकाश राजभर जान रहे हैं कि उनकी सरकार अभी गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है सिवाय झूठी बात कहने के, इसलिए वो थोड़ा ठीक आदमी अपनी बात कहता है। ऐसा आप तो पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं 2012 के चुनाव में प्रियंका जी जो है अमेठी और रायबरेली दोनों की इंचार्ज थी, और उसमें रायबरेली की 5 सीट में 4 समाजवादी पार्टी जीती थी, 1 निषाद पार्टी से अखिलेश किसी पार्टी से लड़ लेता, अखिलेश प्रताप सिंह निर्दलीय जीतता वो जीते थे, 1 सीट सोनिया जी की सीट में नहीं जीता पाई प्रियंका, और अमेठी में 3 सीट हम जीते थे, 1 BSP जीते थी, 1 कांग्रेस जीती थी, 10 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी उनको केवल दी गई थी। आप सबने मीडिया पे बार बार दिखाया कि प्रियंका जी अंत में निराश होकर अपने बच्चे छोटे छोटे बच्चों तक को मंच पे ले आएंगे, लेकिन 10 में 9 सीटें जीती थी, विपक्ष जीता और 1 सीट कांग्रेस जीती। तो अगर ये कोई गेम चेंजर की बात है फिर तो राहुल गांधी को हटाएं, प्रियंका को अध्यक्ष बना दें। अगर वो ये महसूस करते हैं प्रियंका गेम चेंजर हैं तो उन्हें सारे देश का गेम चेंज करना चाहिए। ये मैंने कहा ना कि ये जो इन लोगों के पास कुछ मिलेगा नहीं जिनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, लेकिन यही लोग इनके ऊपर जब 3 महीना बाद छापे पा रहे हैं डालेंगे तब आप लोग देखना कि क्या क्या होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बंगाल में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? अनुमति नहीं मांगी होगी, वरना अनुमति होती तो उतर नहीं दिया जाता। ठीक है।